हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं VSI स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस सीरीज में हम जो MCQ बुकलेट है CA इंटर और फाइनल की, साथ में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे ISI के मॉक टेस्ट पेपर हों, चाहे VSI के मॉक टेस्ट पेपर हों, इसके अलावा RTP और जो CSAT वगैरह है, इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हम आज आपको वीडियो दिखाने वाले हैं या सॉल्यूशन देने वाले हैं, उसमें है पेपर नंबर 7 CA इंटरमीडिएट EIS एंड SM। और ये बाकी और पेपर्स का भी आपको मिलता रहेगा, और ये इसका जो वीडियो सॉल्यूशन आपको VSI के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसका जो PDF सॉल्यूशन है ये VSI के टेलीग्राम चैनल t.me/VSI Jaipur में मिलेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और इन दोनों की नोटिफिकेशन VSI का जो इंस्टाग्राम चैनल है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो उस पर अवेलेबल होगा, तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी आपको मिसिंग नहीं रहे और हर तरीके की जो सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, ये आपको मिलते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि अपन EIS और SM के MCQs हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे इसके अंदर, तो इसमें जो केस स्टडी बेस हैं, सीनेरियो बेस जो आपके MCQs हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, वो जो सीनेरियो बेस क्वेश्चंस आते हैं या जो केस स्टडी बेस क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो वही अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, किस पैटर्न पे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे केस स्टडी को रीड करना है, कैसे क्वेश्चंस को आपको रीड आउट करना है, और क्वेश्चंस में से क्या चीज़ मेन फाइंड आउट करना है, कौन सा कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जिससे कि आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अपन वही डिस्कस करते हैं जिससे अपन प्रॉपरली एग्जाम के अंदर भी जो MCQs आते हैं उस MCQ को प्रॉपरली आप सॉल्व कर पाएँ, और जो आपके 10 मार्क्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकें और उसमें अच्छे नंबर आप ला सकें इसके अंदर स्टूडेंट, तो वही आपसे डिस्कशन करते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अब जो आपकी ICAI की वेबसाइट पे बुकलेट आपको दी गई है, जो आप ICAI.org ओपन करते हैं उसमें MCQs की बुकलेट आपको दी गई है एक, तो उस बुकलेट में स्टार्टिंग के जो 100 क्वेश्चंस हैं वह तो आपको दिए गए हैं इसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपके स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस हैं ये तो स्टूडेंट आप इनको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा, और फिर यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैसेज के थ्रू आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 100 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें सिंपल MCQs हैं आपके पास। ये कि आप स्टार्टिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो आपके पास 100 क्वेश्चन मिलेंगे ये तो आपके नॉर्मल MCQs हैं जिसमें टॉपिक बेस्ड MCQ हैं, तो ये तो आपको सॉल्व करने हैं, और इनमें से कोई भी आपको क्वेरीज हैं, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कोई भी आएगा तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आप इनको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखें। अपन जो आज यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको अपन केस स्टडी बेस्ड MCQ भी कह सकते हैं, तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम उसी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है, तो वही अपन डिस्कस करेंगे कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। हाँ, इनमें भी यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आपको आता है तो वो आप क्वेरी कर सकते हैं, आप मैसेज करेंगे तो आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा स्टूडेंट। तो अपन पहले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं, और कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है वो अपन बताते हैं आपको। एक इजी पैटर्न बताया जाएगा, एक इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा, जिस इजी मेथड पे आप इजीली अपने जो 10 मार्क्स का MCQ आता है सिनेरियो बेस्ड उसको बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका पैटर्न क्या रखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे उसको रीड आउट करना है, वो एक सिंपल पैटर्न आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट वो अपन अभी डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट, ये सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है।
इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये एक सिनेरियो केस स्टडी आपको दी गई है और उसी केस स्टडी के अकॉर्डिंग फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, तो उसी केस स्टडी के बेस पे ये 1 से 5 तक के क्वेश्चन हैं इसमें, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज होता है, 10 मार्क्स का बनता है इसमें, ये MCQ या हो सकता है 5 मार्क्स का भी हो, वो डिपेंड करता है ICAI कैसे पेपर को सेट करते हैं। तो 5 या 10 मार्क्स का ये सिनेरियो बेस या केस स्टडी बेस क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल वे आपको बताऊंगा, एक सिंपल तरीके से सोल्व करने का पैटर्न आपको बताऊंगा जिसके बेस पे आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए कि आपको कैसे इन्हें सोल्व करना है, फिर अपन एक एक केस स्टडी सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मेन कंसेप्ट ये है जो मैं क्लासेस में भी रेगुलर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, रेगुलर मैं वो चीज़ क्लास में भी गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, कि जितने भी ये MCQ आप सोल्व करते हैं वो सभी MCQ जो आप सोल्व करेंगे वो टॉपिक बेस होते हैं, चाहे वो नॉर्मल MCQ हैं या चाहे वो सिनेरियो बेस केस स्टडी बेस MCQ हैं। तो मेन यदि आपको टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है, टॉपिक का पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न है, तो इजीली आप किसी भी पैटर्न के कैसे भी MCQ को सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए आपके पास, जो भी क्वेश्चन कोई भी आप सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट जो आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस है EIS के जो 5 चैप्टर्स आपके पास है उनको पहले अच्छे से आप लर्न करेंगे, हर एक एक कंसेप्ट को हर एक एक टॉपिक को आप पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद ही आप लोग MCQ सोल्व कर सकते हो। पूरा सिलेबस होने के बाद स्टूडेंट 5 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये MCQ सोल्व करेंगे इसके अंदर, जिससे क्या होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसा नहीं है कि एक केस स्टडी पूरे एक चैप्टर में से होती है, तो इसमें सभी चैप्टर्स को मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो इसलिए आपको पहले सभी टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर करने हैं, टॉपिक्स यदि क्लियर हैं, टॉपिक के कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और ये मैंने क्लासेस में भी रेगुलर बताया है स्टूडेंट की कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनता है और उनका आंसर क्या है। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार क्लास में कहता हूँ और आपको भी यही कह रहा हूँ। तो अब आपको केस स्टडी कैसे सोल्व करनी है, केस स्टडी बेस्ड जो MCQ हैं, सिनेरियो बेस्ड MCQ हैं, वो कैसे सोल्व करने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंटों को सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब कभी भी ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करें तो आप डायरेक्ट पहले केस स्टडी को नहीं पढ़ें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होता है, अभी बता भी दूंगा मैं आपको ये चीज़ कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं डायरेक्ट। तो बिना केस स्टडी पढ़े भी आप अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, यदि टॉपिक आपको क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है, तो बिना केस स्टडी की रीडिंग लगाएं, बिना केस स्टडी आप पढ़े, बिना केस स्टडी के पढ़ने में टाइम वेस्ट करें, आप इजीली अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है उसके लिए, आप कभी भी जब ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करें तो आप कभी भी अपनी केस स्टडी को नहीं पढ़ें। पहले आप क्या करें, पहले आप जो क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्क्रीन पे स्टूडेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो आप लोग क्या करें, पहले जो क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में गिवन है, आपके सिनेरियो बेस में जो क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन पढ़ के ही यदि टॉपिक क्लियर है तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा विदाउट केस स्टडी रीडिंग। तो केस स्टडी रीडिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट केस स्टडी रीडिंग आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको करने का पैटर्न क्या रखना है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे सभी 1 बाय 1, जैसे आपकी फर्स्ट केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस हैं तो पहले आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद यदि आपका टॉपिक क्लियर होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि उस केस स्टडी पे डिपेंड करता हो, तो अब उस केस में क्या करोगे, जब सपोज आपका सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल की केस स्टडी बेस पे बनता है सपोज, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको केस स्टडी में से उस पॉइंट के लिए क्या चाहिए वो आपको वहां से देखना है। तो उससे क्या होगा कि पूरी केस स्टडी आपको समझने की, पूरी केस स्टडी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके अंदर। तो देखिए कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको पहली एक फर्स्ट केस स्टडी सोल्व करके बता रहा हूँ, उसी के पैटर्न पर अपन सभी केस स्टडी सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपके सामने यहाँ पे केस स्टडी है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, अभी अपन इस केस स्टडी को नहीं पढ़ेंगे, आपको इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है। जो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट चाहिएगा केवल वही इसमें से पढ़ूंगा मैं, जिससे जो केस स्टडी के पढ़ने का, जो समझने का इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है स्टूडेंट का, वो बचेगा आपके पास और आप जल्दी अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो आपको कभी भी पूरी केस स्टडी को नहीं पढ़ना है, उसमें समझने में पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आना है और क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं विदाउट केस स्टडी रीडिंग। तो केस स्टडी को रीड करे बिना भी आप डायरेक्ट पढ़ पाएंगे, कैसे देखें,
तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कीवर्ड्स देखने हैं जिनके बेस पे आप सोल्व करेंगे वो देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसके बेसिस पे अपन अपना कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको पूरे क्वेश्चंस में से क्या मेन पॉइंट देखना है जिनके बेस पे आंसर निकलेगा वो मैं बता रहा हूँ ओनली आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है जिसके अंदर आप अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्लस इसमें एक पॉइंट और दिया गया है और वो पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो आपकी इमेजेस को स्टोर करता है, शेल हैव इमेजेस ऑफ देयर मिल्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ एक बार। तो एक कंपनी है इंडिया मिल्क डेयरी ये कंपनी है जिसने ये डिसाइड किया है कि मुझे एक ऐसा डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना है जिस स्ट्रक्चर में हर मेंबर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबर बनाएंगे और वो मेंबर उस डेटाबेस का ओनर होगा और वो जो ओनर रिकॉर्ड है वो ओनर रिकॉर्ड आपके उस जो मिल्क आप सेल करते हैं उस मिल्क की इमेज अपने पास रखेगा जिससे कि कस्टमर को अपन इमेज दिखा सकें कि ये इस डेयरी प्रोडक्ट की ये इमेज है। अपन जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे भी तो अपने पास इमेजेस ही प्रोडक्ट की आती हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपन टच नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा डेटाबेस बेटर हो सकता है मेरे लिए जिसमें उस प्रोडक्ट की मैं इमेजेस को स्टोर कर सकूं और इमेजेस को स्टोर करने के साथ साथ मैं कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकूं। तो अब ये टू बेसिक कंसेप्ट मैंने हाईलाइट किए हैं। अब आपके पास ये फोर स्ट्रक्चर्स हैं, चैप्टर थ्री आपने पढ़ा है, उस चैप्टर थ्री के अंदर डीबीएमएस जो टॉपिक आता है उसमें ये स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है। हेरिटिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर है। ये फोर टाइप के स्ट्रक्चर चैप्टर थर्ड अपन पढ़ते हैं या इसमें उस चैप्टर थर्ड में ये फोर स्ट्रक्चर्स आपके पास गिवन है। अब आपको इस क्वेश्चन में मेनली ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा डेटाबेस का मॉडल है जो इमेजेस को स्टोर करता है एक तो, और सेकंड कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करता है। अब ये आप जब अपनी डीबीएमएस के टॉपिक में से इन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट जो मिलेगा वो कंसेप्ट आपको मिलेगा इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है स्टूडेंट जो आपके कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को अपने पास स्टोर करता है और प्लस ये इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, इस सभी टाइप्स के डेटाबेस को अपने पास ये स्टोर करता है। तो यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है, मैंने अभी आपको जस्ट पहले भी कहा है कि यदि आपको टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो डायरेक्ट आप अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू सोल्व करने के लिए कोई अलग से एफर्ट्स आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट। तो यदि टॉपिक क्लियर है और आपको ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है जिसमें इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने केस स्टडी बेस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे केस स्टडी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको ये क्लियर है कंसेप्ट कि ये स्ट्रक्चर है जिसमें इमेजेज और स्टोर होता है तो आंसर सीधा आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, तो इस पैटर्न पर स्टोर करना है। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब आपको केस स्टडी ओनली कब पढ़नी है, जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में आपको लगता है ऐसा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मुझे तो यहाँ पे वो केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड केस स्टडी पढ़ें केवल आप, और वही पॉइंट पढ़ें, पूरी केस स्टडी को पढ़ने से बेटर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास कंसेप्ट गिवन है और वो सेकंड क्वेश्चन में कंसेप्ट आपके पास गिवन है कि आपको, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिनके बेस पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और वो आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिस सिस्टम में मैं ट्रैक कर सकूँ, क्या ट्रैक कर सकूँ, टारगेट ऑन मंथली बेसिस। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिस सिस्टम से मैं ट्रैक कर सकूँ मंथली बेसिस पे मेरे जो टारगेट्स मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को दिए हैं वो टारगेट्स किस एम्प्लॉय ने कंप्लीट किया है,
कितना टारगेट आपने अचीव कर लिया है, जो मैंने टारगेट दिया था उसमें से कितने एम्प्लॉई हैं वो टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं, और कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट अभी फुलफिल नहीं किया है। तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम से मैं मंथली बेसिस पे मेरे टारगेट्स को ट्रैक कर सकूं कि किस एम्प्लॉई ने टारगेट ट्रैक किया है या किस एम्प्लॉई ने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। तो मुझे बताएं स्टूडेंट, कंपनी का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, कंपनी का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपके ट्रैकिंग करता है कि किस एम्प्लॉई ने कितना टारगेट अचीव किया है और कितना टारगेट अचीव नहीं किया है। तो ये डिसाइड करता है, और टारगेट आपको जो देता है और टारगेट को जो ट्रैक करता है, आपको जो कंट्रोल करता है, वो होता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो बिग डेटा है, बिग डेटा का कंसेप्ट भी थर्ड चैप्टर में आपके पास है, और बिग डेटा के अंदर तो ओनली अपन क्या करते हैं, लार्ज डेटा मार्केट से कलेक्ट करते हैं। जो बिग डेटा का कंसेप्ट होता है, उस बिग डेटा के अंदर अपन जो लार्ज डेटा बेस है वो मार्केट से कैप्चर करते हैं, जिससे अपन ट्रेंड एनालिसिस कर सकें। तो ये ट्रैकिंग का काम नहीं करता है। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना, अपनी नॉलेज, अपने इमेजिनेशंस पे काम करना, जिससे कंप्यूटर ह्यूमन बींग पे डिपेंड नहीं होगा। जो ह्यूमन ब्रेन को रीड कर सकता है वो सब सिस्टम्स आपके होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैप्टर 4 में आपको दिया गया है। तो ये भी ट्रैकिंग का वर्क नहीं करता है। तो ट्रैकिंग का वर्क करता है मेनली मैनेजमेंट का सिस्टम जो बनता है, वो मैनेजमेंट का सिस्टम ट्रैकिंग का वर्क करता है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ओनली नॉलेज अपने पास एक्वायर करता है कि मार्केट में कौन सी पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट की कौन सी न्यू पॉलिसी आई है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या फैशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स ने कौन सी नई पॉलिसी निकाली है। तो ये सारे नॉलेज को अपने पास कलेक्ट करके रखता है, जिससे कभी भी आपको मार्केट का कोई भी नॉलेज चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये भी ट्रैकिंग का वर्क नहीं करता है। तो किस एम्प्लॉई ने अपना कितना टारगेट कंप्लीट किया है, उसकी ट्रैकिंग का वर्क करता है, और वो आता है मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप टॉपिक क्लियर है, टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर है, तो इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कोई अलग से टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्लासेस में स्टूडेंट्स को बार बार बताया है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको अलग से कोई बुकलेट नहीं लेनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको अलग से कोई बुक मार्केट से परचेज नहीं करनी है। आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, और मैंने क्लास के अंदर यही बताया है कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है, टॉपिक को कैसे लर्न करना है, और क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, सभी मैंने आपको क्लासेस में अच्छे से समझाए भी है, और उनके बेस पे इजीली स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आता है कि टॉपिक यदि क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बिना केस स्टडी पढ़े भी आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और मैं वो एग्जांपल आपको हर अगले क्वेश्चन में वही एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसके अंदर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखिए, थर्ड नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपना एक सिस्टम बनाएंगे, जिस सिस्टम के अंदर आपका एक कलेक्शन सेंटर होगा, जिस कलेक्शन सेंटर के अंदर अपने जितने भी अलग अलग अपने वेंडर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके, और उससे कांटेक्ट करने के बाद अपन वहाँ से पहले मिल्क अपन सब जगह से कलेक्ट करके एक जगह लेकर आएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है ऐसा, जिस सिस्टम में क्या करते हैं ये, जितने भी आपके मार्केट में प्रोडक्ट, जिनसे आप प्रोडक्ट सेल करते, जो आपके सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर से मिल्क आप कलेक्ट करते हो, और कलेक्ट करने के बाद एक कलेक्शन सेंटर आपका बना हुआ है, उस कलेक्शन सेंटर पे अपना पूरा मिल्क लाकर एक जगह रख देते हो, या और भी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो किसी भी सप्लायर से, वो सभी प्रोडक्ट परचेस करके, उनसे एक्वायर करके, उनसे प्रिक्योर करके अपना जो एक कलेक्शन सेंटर बना रखा है, उस कलेक्शन सेंटर में एक जगह लाकर अपना पूरा डेटा, अपना पूरा प्रोडक्ट रख देंगे, और उसके बाद जहाँ भी प्रोडक्ट को सेल करते हो वहाँ ले जाकर अपने सर्वर पे उसको ऑनलाइन आप सेल करते हो, तो जो आपका सर्वर है उस सर्वर पे ले जाकर आप उसको अपडेट कर देंगे कि कंपनी के पास ये न्यू प्रोडक्ट आया है, इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी लेफ्ट बची है। और अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि जब कोई अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर वो ऑटो अपडेट करता है कि स्टॉक की कितनी क्वांटिटी लेफ्ट अभी है उसके पास, फ्यू यूनिट लेफ्ट जो ऑनलाइन दिखाता है आपको, 2 यूनिट्स लेफ्ट आपको दिखाता है इसके अंदर, या जब कंप्लीट सेल हो जाते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है। तो ये सिस्टम कंपनी ने यहाँ भी कर रखा है कि कंपनी के पास एक सिस्टम है जिसमें इन्होंने कलेक्शन सेंटर बना रखा है, उस कलेक्शन सेंटर पे अपन क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट सप्लायर से परचेज करके एक जगह अपन स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद रियल टाइम बेसिस पे उनको सब जगह पे अपडेट कर देंगे।
अब आपको ये बताना है कि इस सिस्टम को मुझे और बेटर इंप्रूव करना हो तो, और बेटर यदि मुझे इस सिस्टम को इंप्रूव करना है तो इसे इंप्रूव करने के लिए कौन से बिजनेस साइकिल को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, बार बार एक बात बोल रहा हूं कि कलेक्शन सेंटर है, उस कलेक्शन सेंटर में अपन क्या करेंगे, जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं उनसे प्रोडक्ट में प्रोक्योर करूंगा, परचेज करूंगा, और परचेज करने के बाद एक जगह लाके मैं उसको स्टोर कर लूंगा। मेरा गोडाउन हो सकता है, वो वेयरहाउस हो सकता है, वहां पे मैंने सारे प्रोडक्ट लाके एक जगह स्टोर कर लिए हैं, कलेक्शन कर लिया मैंने पूरा, और कलेक्शन करने के बाद मैं हर सर्वर पे उसको अपडेट कर दूंगा, जिससे कि कस्टमर्स को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए मुझे किसको इम्प्रूव करना है, मुझे इम्प्रूव करना है प्रोक्योर टू पे। तो प्रोक्योर टू पे के अंदर क्या करेंगे, जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे प्रोडक्ट प्रोक्योर करेंगे, परचेस करेंगे, और परचेस करने के बाद एक जगह लाके कलेक्ट कर लेंगे। टाइम पे प्रोक्योरमेंट होगा, टाइम पे स्टॉक सप्लायर से परचेस करूंगा, तो ही मेरा कलेक्शन सेंटर पे मेरे पास प्रोडक्ट रहेंगे, और तभी मैं लेटेस्ट प्रोडक्ट और जो कस्टमर्स की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करा सकूंगा। वो कब होगा, लेकिन वो जब होगा जब मेरा प्रोक्योरमेंट, मेरी परचेजिंग सप्लायर से रेगुलर हो रही है, और मेरे सर्विस सेंटर पे, मेरे कलेक्शन सेंटर पे मेरा स्टॉक आता जा रहा है टाइम पे, प्रोक्योरमेंट मेरा टाइम पे हो रहा है, परचेजिंग मेरे टाइम पे हो रही है, तो ही कस्टमर को प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूँ। तो इसको मुझे बेटर इंप्रूव करना है, तो इसे इंप्रूव करने के लिए मुझे मेरे प्रोक्योर टू पे का जो मेरा साइकिल है, बिजनेस साइकिल, उसको मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसे इंप्रूव करूंगा तो प्रोक्योरमेंट मेरा टाइम पे होगा, और प्रोक्योरमेंट टाइम पे होगा तो मैं सेलिंग भी टाइम पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको प्रोक्योर टू पे का जो साइकिल है उससे इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो ये कंसेप्चुअल है, इसमें आपको कलेक्शन सेंटर का वर्ड याद रखना है। मैंने इसी को इसलिए मेनली हाईलाइट किया है इसके अंदर कि कलेक्शन सेंटर पे आप पूरे प्रोडक्ट सप्लायर से परचेस करते हो और लेकर आते हो, एक जगह स्टोर कर लेते हो, तो उसके लिए प्रोक्योर टू पे आपका टाइमली मैनेज होना चाहिए, तभी कस्टमर को स्टॉक टाइम पे प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आता है। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं उसमें किसी में भी मैंने केस स्टडी का यूज अभी तक नहीं किया है, तो टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन में क्या चीज मेन आपको देखनी है वो क्लियर है, तो इजीली आप उसके अकॉर्डिंग अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको केस स्टडी देखनी पड़ेगी, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ओनली उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन केस स्टडी का पॉइंट देखेंगे, ताकि मुझे पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्टूडेंट यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है, उस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी का जो टर्नओवर है उस टर्नओवर को इंक्रीज करना है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी का जो टर्नओवर चल रहा है उस कंपनी के टर्नओवर को इंक्रीज करना है। तो टर्नओवर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपन उसके लिए किस मॉड्यूल को यूज करें, कौन सा मॉड्यूल मुझे सपोर्ट कर सकता है जिससे मैं कंपनी के टर्नओवर को इंक्रीज कर सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो आंसर है ना, इस आंसर में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यदि मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ, इसे यदि मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा टर्नओवर इंक्रीज कर सकता हूँ, बट स्टूडेंट ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आपको सेल्स के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी मैनेज करनी पड़ेगी। अदर एक्टिविटी क्या क्या मैनेज करनी पड़ेगी, अदर एक्टिविटी मेन तो आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी पड़ती है। टर्नओवर आपको इंक्रीज करना है तो टर्नओवर यदि आपका इंक्रीज करना है तो आपको मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए मार्केटिंग का पूरा बजट अपन डिसाइड करते हैं। मार्केटिंग पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, मार्केटिंग कहाँ करनी है वो डिसाइड करोगे, मार्केटिंग किस एरिया में करनी है, मार्केटिंग का कौन सा मोड आपको रखना है ताकि अपन कस्टमर से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकें, तो उसके लिए पूरे बजट अपन डिसाइड करते हैं, कितना मैं मार्केटिंग पे एक्सपेंसेस करूँगा, कस्टमर से मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कम्युनिकेशन का सिस्टम मेरा कैसे बनाऊँगा, उसका बजट अपन डिसाइड करते हैं इसके अंदर। और यदि मार्केटिंग आपकी इफेक्टिव है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या देनी है कस्टमर्स को वो डिसाइड यदि आप करोगे और आप प्रॉपरली कस्टमर्स को अच्छे ऑफर दोगे, तब आप अपने टर्नओवर को, अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो इन सब चीज़ के लिए पहले पूरा बजट आपका डिसाइड होता है कि मार्केटिंग पे कितना मुझे बजट स्पेंड करना है, और प्लस जो आफ्टर सेल सर्विस देनी है तो कौन कौन सी सर्विस देनी है,
किस पैटर्न पर सर्विस देनी है, उसके लिए कितना बजट मुझे डिसाइड करके रखना है, कस्टमर से कम्युनिकेशन का सिस्टम कौन सा रखना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे करना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सेटअप बनाना है मुझे कस्टमर के साथ में, कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रॉपरली सर्विस देनी है, 24 आवर्स मुझे सर्विस देनी है, तो इन सभी के लिए मेरे पास प्रॉपरली बजट डिसाइड होता है। और यदि इन सब का प्रॉपर बजट बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने, उससे टर्नओवर तो बढ़ गया लेकिन मेरी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको ये भी तो देखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे टर्नओवर तो इंक्रीज करना है, तो टर्नओवर इंक्रीज करने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए कि अपन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा लें कि आपका टर्नओवर तो बढ़ने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी इतनी बढ़ा दी और प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेज करना जरूरी होता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मैनेज करता है, चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपके पास मॉड्यूल्स के गिवन है, तो चैप्टर 2 में इन मॉड्यूल्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो इजीली वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज करना है तो टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए मुझे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना है, जबकि यहाँ पे टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ती है, तो उन सब के लिए प्रॉपर फंड मैनेज करने पड़ते हैं। और फंड मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, फंड मैनेज करने के लिए यूज़ करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या होगा, फंड प्रॉपर मैनेज करेंगे और फंड प्रॉपरली मैनेज करके आप यहाँ पे अपने पूरे बजट डिसाइड करेंगे ताकि मिनिमम बजट में काम हो सके और कस्टमर के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट हो, कस्टमर से ज़्यादा ऑर्डर मिल सके मुझे, तो अपने आप ही टर्नओवर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल वो आपको सपोर्ट करेगा अपने टर्नओवर को इंक्रीज करने में। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो तो आपको सेल को मैनेज करने में, जो ऑर्डर मिला है उसके बाद सेल मैनेज करने में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करने में आपको हेल्प करता है, लेकिन आपको टर्नओवर इंक्रीज करना है तो टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आपको सेल बढ़ानी है, और सेल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल वर्ड में मार्केटिंग करते हो आप, कस्टमर को बेटर सर्विस देते हो आप, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देते हो, कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, तो ये सब फाइनेंशियल मॉड्यूल में मैनेज होता है स्टूडेंट यहाँ पे। प्लस कॉस्ट भी कंट्रोल रखनी पड़ती है, तो आपको अपना एक्सपेंसेस भी करना है, फंड भी मैनेज करना है और आपको अपनी कॉस्ट भी कंट्रोल करके रखना है, तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में होता है, न कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंदर, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट केस स्टडी का फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, और फिफ्थ क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है कि कंपनी ने क्या कर रखा है, एक सेंट्रल डेटाबेस सर्वर आपके पास बना हुआ है, तो कंपनी ने एक सेंट्रल सर्वर बना रखा है कंपनी का, और कंपनी के इस सेंट्रल सर्वर के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अपना कंप्लीट डेटा स्टोर कर रही है, कीप द डेटा ऑफ ईच मिल्क कलेक्शन सेंटर, तो जितने भी कलेक्शन सेंटर्स हैं उन सभी का डेटा एक जगह कीप किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो आपने पूरा डेटा एक जगह स्टोरेज में स्टोर कर रखा है। देखिए मैंने आपको इसी में आंसर भी बता दिया है कि कंपनी का एक सेंट्रल सर्वर बना हुआ है, उस सर्वर के अंदर क्या कर रखा है, अपना पूरा डेटा जो है वो एक जगह पे कीप कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और प्लस वहीं से क्या कर रहे हैं अपन ने वहीं पे क्या कर रखा है, अपने बैकअप की प्लानिंग कर रखी है, अचीविंग और रिकवरी की प्लानिंग कर रखी है इसके अंदर। तो अब ये पूछना सर आपसे कि ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग अपन डेटा एक जगह स्टोर करके रख सकें और प्रॉपरली बैकअप ले सके डेटा का, जिससे आपका डेटा लॉस भी हो जाए तो अपन रिकवर कर सके। तो उन सब के लिए आपको डेटा एक जगह पे स्टोर करके रखना है, उस डेटा का प्रॉपरली बैकअप लेकर रखना है, और बैकअप अपन जनरली अपन किस में लेते हैं, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है उसमें बैकअप लेते हैं, जैसे पेन ड्राइव के अंदर बैकअप ले लिया आपने, या मोबाइल फ़ोन का डेटा है उसको अपन ने गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप ले लिया इसके अंदर, तो ये सब क्या है, आपके स्टोरेज हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन डेटा है वो भी सर्वर में स्टोरेज में, आपकी जो मेमोरी हार्ड डिस्क उसमें स्टोर रहेगा, और जो बैकअप है बैकअप अपने सेकेंडरी डिवाइस के अंदर अपन स्टोर करते हैं, और सेकेंडरी डिवाइस के अंदर आपका पेन ड्राइव हो सकता है, सेकेंडरी डिवाइस के अंदर आपकी गूगल ड्राइव हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है जिसमें डेटा बैकअप के लिए स्टोर करते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए इसमें जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी आपके लिए यूजफुल होगी, और वो टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि स्टोरेज बनाऊंगा, वर्चुअल स्टोरेज बनाऊंगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव स्टूडेंट आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो वर्चुअल स्टोरेज है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो अपने मोबाइल का डेटा है उस मोबाइल के डेटा को एज ए बैकअप अपन उसमें स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद कभी मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रॉब्लम होने के बाद उसी गूगल ड्राइव से वापस आप उसको रिकवर रिस्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो इसीलिए आपको डेटा एक जगह पर स्टोर करके रखना है, बैकअप रिकवरी के प्लान बनाना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकती है वो टेक्नोलॉजी आपके यूजफुल हो सकती है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी। क्योंकि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो तो आपको डिफरेंट सेंटर्स को कनेक्ट करना है, डिफरेंट
कलेक्शन सेंटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना है तब यूज़ आएगा। और जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, जिसमें आप हार्डवेयर के अंदर तो अपने सर्वर भी होते हैं, उसमें आपका हार्डवेयर में हार्ड डिस्क भी आती है, उसमें कीबोर्ड माउस भी आते हैं, इनपुट डिवाइस भी आते हैं, हार्डवेयर तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या करना है आपको ओनली डेटा स्टोर करके रखना है। तो क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यूज आता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट ये जो हाईलाइटेड है ना, इन्हीं के बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है मेनली वो, और उसके अकॉर्डिंग आपके टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकती है वो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो अपन क्या करेंगे, वर्चुअल स्टोरेज बना देंगे, उस वर्चुअल स्टोरेज के अंदर अपन डेटा स्टोर कर लेंगे ताकि उस डेटा को किसी भी सेंटर पे आप यूज कर सकते हो। और फिर उस डेटा का अपन क्या करेंगे, जो सर्वर पे डेटा है उसका एक दूसरी जगह बैकअप लेकर रखेंगे अपन, जिससे कि कभी आपके मेन सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर फेलियर हो जाता है, मेमोरी करप्ट हो जाती है, तो जो डेटा बैकअप ले रखा है किसी अदर स्टोरेज में, वहां से अपन वापस उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और इसे अपन खुद यूज भी करते हैं, अपने मोबाइल फोन में अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रखें, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखें, मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने अपने इमेजेस वीडियो सेव कर रखें। तो मेरा ये स्टोरेज है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन का डाटा सेफ रहे, कभी मोबाइल फ़ोन में यदि कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मेरा डाटा लॉस नहीं हो। तो उस पर्पज़ के लिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो गूगल ड्राइव है उसके वर्चुअल स्टोरेज है वो वहाँ डेटा स्टोर कर देंगे, फिर कभी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है तो वापस अपन उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी जो आपके लिए यूजफुल होगी वो टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी आपके लिए, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो ये था आपका स्टूडेंट केस सिनेरियो फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या जो फर्स्ट केस सिनेरियो है, फर्स्ट केस स्टडी है, इस फर्स्ट केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए मैंने केस स्टडी को कहीं भी नहीं पढ़ा है, केस स्टडी कहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रही है, क्योंकि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तो इजीली आप इस केस स्टडी को बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए इस केस स्टडी को नहीं पढ़ा है अपन ने, और उसके बाद भी अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये देखिए स्टूडेंट, मैंने ये चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं इसके अंदर कि आपको मेनली इस क्वेश्चन में से क्या चीज़ देखना है जिसके बेसिस पे आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में मेनली आपको देखना है कि ऐसा कौन सा मॉडल हो सकता है जिसमें मैं इमेजेस को सकता हूं और जिसमें मेरे कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकता हूं, तो वो आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप अपने चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो उसमें क्लियर इन्होंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को स्टोर करता है, ये इमेजेस ऑडियो वीडियो को स्टोर करता है। तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे पॉइंट वहां पे। तो इस तरह से आपके टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को, अपनी चाहे केस स्टडी बेस हो, सिनेरियो बेस क्वेश्चन हो या जनरल क्वेश्चंस हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी बेस क्वेश्चंस के आंसर। अब अपन आते हैं स्टूडेंट्स के सेकंड पे। अब एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट मैं, जब भी आपको किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करना है, किसी भी केस स्टडी सिनेरियो बेस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आप पहले डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस को पढ़ें, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको यदि लगता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली टॉपिक बेस पे सॉल्व कर सकता हूं, तब तो आपको केस स्टडी पढ़ने की नीड है नहीं। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि जिसमें कि इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे इस केस स्टडी को पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए उसी पॉइंट को हाईलाइट करके पढ़ो आप केवल, तो क्या होगा, कम टाइम में केस स्टडी आप इजीली पढ़ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन अब सेकंड केस स्टडी को सॉल्व करते हैं अपन स्टडीज में। तो इसमें सेकंड केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए अपन केस स्टडी बाद में देखेंगे, पहले अपन इसके क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखते हैं इसमें। तो जो सेकंड केस स्टडी है इसके क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है स्टूडेंट, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम में मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग ऑफ सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग। तो बैंकिंग सिस्टम में आपको मॉनिटरिंग करना है सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो कि आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए या आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना है। तो उस मॉनिटरिंग करने के लिए आपको सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए, तो उस पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अब ये मॉनिटरिंग के लिए आपको जो आपका बैंक है, वो बैंक आपके जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वो रिकॉर्ड कब से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ विस टाइप ऑफ फॉलोइंग नेचर। तो अब वो नेचर नीचे दिया गया, वो नेचर अपन देखते हैं इसका। अब देखिए इसमें आपको मेनली क्वेश्चन पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट आपको गिवन है इसमें चैप्टर 5,
जो अपन पढ़ेंगे उस चैप्टर फाइव में आपने जो पढ़ा है उस चैप्टर फाइव में मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट आपको गिवन है, जिसमें अपन डर्टी मनी जो है, जो आपकी इलीगल मनी है, जो ब्लैक मनी है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मुझे मॉनिटरिंग करना है। अब मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है और किस टाइम से मुझे अकाउंट को, कोई भी बैंकिंग अकाउंट है जिस बैंकिंग अकाउंट के अंदर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको मुझे कब से मेंटेन करना चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको कुछ ईयर डेट मेंशन की गई है इसके आंसर में कि आपके जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो ट्रांजेक्शंस की डिटेल आपको कब से मेंटेन करनी है, कब से स्टार्ट करना है उसे। तो देखिए इसमें ईयर्स आपके पास मेंशन है, इसमें 12 दिसंबर 2017 से मुझे मेंटेन करना चाहिए या 29th मार्च से मुझे मेंटेन करना चाहिए, 7th मार्च से मुझे मेंटेन करना चाहिए, ये 7th मार्च। आपको 3 डेट याद रखनी है मेनली स्टूडेंट, और वो 3 डेट है कि मुझे मेरे जो ट्रांजेक्शंस हैं वो ट्रांजेक्शन 12th मार्च से मेंटेन करने चाहिए या 29th मार्च से मेंटेन करने चाहिए और या 7th मार्च 18 से मेंटेन करने चाहिए। तो अब आपको इनमें से कौन सी डेट से मेंटेन करना चाहिए वो डेट आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस डेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको पढ़ना है केस स्टडी। अब केस स्टडीज में आपको क्या करना है, ओनली पूरी केस स्टडी आपको नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है ओनली जो ये डेट और ईयर्स आपकी केस स्टडी में जहां आ रहा है वो पढ़ना है। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं इस केस स्टडी के आंसर पे आने से पहले, तो स्टूडेंट यहां पे अपन जब भी किसी भी बैंकिंग सिस्टम में अपन किसी भी कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है इसमें कि जो आपके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं वो रिकॉर्ड आपको कब से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम फ्रेम से आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है जिससे कि अपन अपने ये मॉनिटरिंग कर सके कि उस अकाउंट में फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट अपन सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, अपन ट्रांजेक्शन कब से मेंटेन करते हैं, जब से अकाउंट ओपन किया गया है। तो बैंक में जब कोई भी आपको लगता है कि इस अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है तो मुझे इस अकाउंट के ट्रांजेक्शन को पूरा प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना है, मुझे उनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने। तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, कोई भी आपको अकाउंट में लगता है कि फ्रॉड हुआ है तो अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग से जब से अकाउंट ओपन हुआ था तब से अपन देखते हैं उसके अंदर कि उस अकाउंट में कब कब क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है और कौन सा ट्रांजेक्शन सस्पेक्टेड है, कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको अकाउंट जब ओपन किया गया था तब से मुझे सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको इसमें यह फाइंड आउट करना है कि जो अकाउंट है वो अकाउंट कब ओपन किया गया था ताकि उस डेट से मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं। आपके पास 3 डेट्स हैं ऑलरेडी, 12 दिसंबर 2017, 29th मार्च 2018 और 7th मार्च 2018, ये 3 डेट्स आपके पास हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऐसी कौन सी डेट है जिस डेट पे अकाउंट ओपन किया गया, क्योंकि जिस डेट से अकाउंट ओपन होता है उस डेट से अपन अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, फिर उनमें से फाइंड आउट करेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन है जो सस्पेक्टेड है उसको फाइंड आउट कर सके, उसमें फ्रॉड फाइंड आउट कर सके। तो आपको क्या देखना है, कस्टडी में ओनली अकाउंट कब ओपन किया गया है। तो उसके लिए आपको अब देखो कि 12 दिसंबर को अकाउंट ओपन हुआ है या 29th मार्च को अकाउंट ओपन किया गया है या 7th मार्च को अकाउंट ओपन किया गया है, तो वो डेट आपको देखना। अब इस डेट के लिए ओनली केस स्टडी पढ़ना है, पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपन आ जाए केस स्टडी पे। ये देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास ये मेंशन है, पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, उसमें डेट मेंशन है आपके पास, तो आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली जो डेट आपको चाहिए वो आ रही है तो वो देखते जाएं। तो आपको एक डेट तो 12 दिसंबर 2017 थी, वो डेट आ गई। अब इस डेट को क्या किया इन्होंने, इट हैड ओपन्ड करंट अकाउंट विद द बैंक्स पंजिम ब्रांच ऑन 12th दिसंबर। देखिए इसी में आपको आंसर मिल गया उसका कि जो ये आपकी बैंक की पंजिम ब्रांच है उसमें 12th दिसंबर 2017 को अकाउंट ओपन किया गया है। अब मुझे क्या करना है, इस डेट से उनके ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना है जिससे कि मैं देख सकूं इस डेट से क्या क्या ट्रांजैक्शन किए गए और उसमें सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन कौन सा है, उसमें क्या फ्रॉड हुआ है वो फाइंड आउट कर सकूं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर बन गया स्टूडेंट।
तो अब आपको पूरी केस स्टडी के बजाय सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंट कब ओपन हुआ है, तो उस डेट से मुझे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना होता है इसके अंदर। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि आपको फ्रॉड पकड़ना है, फ्रॉड फाइंड आउट करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंट कब ओपन हुआ था, ताकि उस डेट से मैं सारे ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट कर सकूँ इसके अंदर। तो वो कंसेप्ट आप देखेंगे और इसी के बेसिस पे आपके पास आ जाएगा कि 12 दिसंबर को अकाउंट ओपन हुआ है, तो वो इसके आंसर में आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा इसका, और वो आंसर आपके पास है ऑल ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, ऑल ट्रांजैक्शंस डिटेल्स ऑफ एनजीओ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 12 दिसंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 दिसंबर, क्योंकि अकाउंट क्या था 12th दिसंबर को ओपन हुआ है, तो उसी से मुझे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना है, ताकि मैं सस्पेक्टेड जो ट्रांजैक्शंस उनकी मॉनिटरिंग कर सकूं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो अब आपको क्या रहा है इसके अंदर, केस स्टडी ओनली इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, पूरी केस स्टडी को पढ़ना, उसको समझने में टाइम वेस्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से केस स्टडी की क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाओगे। और अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरी केस स्टडी पढ़ते हैं, और पूरी केस स्टडी को पढ़ने के बाद उसको समझते हैं, उसकी डेट है उसको अंडरलाइन करते हैं, ईयर्स को अंडरलाइन करते हैं, या और कोई की पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उनका, और अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दें। तो उसके लिए बेटर क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो पा रहा है बिना केस स्टडी के तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दें, और जिस क्वेश्चन में लगता है कि आपको इसमें तो केस स्टडी देखना ही पड़ेगा तो उसमें देखें, और वो भी केवल वही पॉइंट देखें जो मुझे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो उसके क्वेश्चन और उसके ऑप्शन देखें आप पहले, कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस, अब ये डेट्स मुझे चाहिए उसके स्टडी में, तो इस डेट के लिए केस स्टडी देखो केवल, पूरी केस स्टडी को रीड करने की रिक्वायरमेंट, तो टाइम भी बचेगा उससे और क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएंगे आपके। तो ये बहुत पैटर्न आता है जिससे अपन सोल्व कर सकते हैं। हाँ, फिर स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट, ये सब चैप्टर फाइव में आपके पास कंसेप्ट है, चैप्टर फाइव जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर फाइव में ये पूरे कंसेप्ट आपको मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत अच्छा टॉपिक दिया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसके अंदर। तो ये चैप्टर फाइव की केस स्टडी है बेसिकली, और उसके बेस पे इन्होंने बनाया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, और स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आता है इसमें, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसके अंदर, और वो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका एनजीओ है उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है एंटाइल्ड ऑन द डेनियल बाई एनजीओ, तो एनजीओ ने किसके लिए डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, किसके पर्पज से, फॉर नॉट शेयरिंग, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉट शेयरिंग थर्ड पार्टी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, कि जो एनजीओ है ये जब भी अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जिस पार्टी का अकाउंट ओपन कर रहे हो बैंक में, उस पार्टी का अकाउंट ओपन करने के लिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। और सिंपल से एग्जांपल में समझाऊं इस को, कि जब अपन बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो बैंक में जब अपन अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अपना जो पिन नंबर है, या अपनी इनकम है, अपने सर्टिफिकेट्स, बस अपन इनको देते हैं, जिसको अपन बैंकिंग के लैंग्वेज में कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर, KYC फिलअप करना होता है, नो योर कस्टमर। तो आप कभी भी चाहे करंट अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, या आपने जो चैप्टर फाइव में पढ़ा है कासा प्रोसेस, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट प्रोसेस उसमें भी दिया गया है, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तब भी KYC आपको फिलअप करना पड़ता है, ATM आप पेटीएम जो यूज़ करते हैं उस पेटीएम के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए KYC मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आज के टाइम में हर जगह पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट ओपन करना है तो KYC आपको फिलअप करना, अपडेट करना कंपलसरी हो जाता है, उस KYC में आपका पूरा पर्सनल डिटेल आ जाता है। अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कि यहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या मना कर दिया गया है एनजीओ की तरफ से, जिससे कि अपनी थर्ड पार्टी की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम आ गया, और वो आ गया नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC, तो KYC का नॉन कंप्लायंस नहीं किया उसने, KYC की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये जो आप चैप्टर फाइव के अंदर कासा प्रोसेस पढ़ेंगे, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, डेबिट कार्ड प्रोसेस आपको दिए गए रिस्क एंड कंट्रोल के साथ में, तो प्रोसेस पढ़ेंगे तो हर प्रोसेस में KYC का कंसेप्ट आपको दिया गया है, KYC आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दी गई है, कि एनजीओ ने थर्ड पार्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या कर दिया है,
डिनाई, डेनियल मना कर दिया है उसने कि मैं आपको थर्ड पार्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि आप नहीं देंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे, तो क्या आप कर रहे हैं? नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, नो योर केवाईसी। तो केवाईसी को आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो लीगल इम्प्लीकेशन आपके पास आ जाता है, तो वो केवाईसी शेयर करना पड़ता है आपको इसके अंदर। और ये यदि चैप्टर 5 के अंदर आपके रिस्क एंड कंट्रोल पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के रिस्क एंड कंट्रोल हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर कासा प्रोसेस दिया गया है, सेकंड नंबर आपको क्रेडिट कार्ड प्रोसेस दिया गया है, तो ये प्रोसेस दिए गए, इस प्रोसेस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर जगह पे केवाईसी फिलअप करना जरूरी है, और इस एनजीओ ने केवाईसी फिलअप करने से मना कर दिया है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया है, तो क्या कर रहा है ये? केवाईसी नॉन कंप्लायंस का इम्प्लीकेशन आ रहा है, लीगल इम्प्लीकेशन आपके पास, तो ये इसका आंसर बन जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है, अब ये चैप्टर 4 से लिया इन्होंने टॉपिक, कि जो आपका भीम एप्लीकेशंस है, जो बैंक सिस्टम्स होते हैं, वो बैंक सिस्टम आज के टाइम पे क्या करते हैं? भीम एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, चैप्टर 4 में आपको गिवन है, ये भीम एप्लीकेशन आता है, जो इंडियन गवर्नमेंट का UPI बेस ऐप है, जिसके अंदर आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, हर बैंक इसको एक्सेप्ट करता है, हर बैंक इसको सपोर्ट करता है। चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है इसके अंदर, कि आप जब भी भीम ऐप यूज़ करते हैं तो आप डाउनलोड करेंगे उसको, और डाउनलोड करने के बाद बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, फिर ये आपके QR कोड के बेसिस पे, IFSC कोड के बेसिस पे, UPI ID के बेसिस पे ये आपके ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है, और आप बैंक टू बैंक डायरेक्ट अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंपनी का भीम ऐप आता है, उस भीम ऐप को यूज किया गया है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन अकाउंट होल्डर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसमें यह पूछा गया है कि भीम एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इन गिवन स्टेटमेंट से भीम एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो ये पूछा गया आपसे, भीम एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, इन जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, भीम ऐप का मेन पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, जिसके बेस पे आंसर बन जाएगा आपका, कि भीम ऐप जो आता है वो भीम ऐप कंप्लीटली UPI बेस ऐप होता है। ये इन्होंने आपको क्लियरली लिखा भी है, चैप्टर 4 जब आप पढ़ेंगे, डिजिटल पेमेंट का टॉपिक आपको दिया गया, डिजिटल पेमेंट में मेथड्स आपको दिए गए हैं, न्यू मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उन मेथड्स में आपको लिस्ट दी गई है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, वॉलेट आप यूज़ करते हैं, भीम ऐप यूज़ करते हैं, UPI यूज़ करते हैं, IMPS यूज़ करते हैं, तो ऐसे मेथड्स आपको दिए गए हैं, और उसमें भीम ऐप आपको दिया गया, उसमें क्लियर लिखा है कि भीम एक UPI ऐप होता है, जिसमें आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो नॉन UPI ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसका आंसर वही बन जाएगा कि क्या करेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपके पास गिवन है कि भीम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अकाउंट होल्डर टू क्रिएट ए VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको क्रिएट करना है, और या फिर आपको UPI ID क्रिएट करना होता है, ताकि ID क्रिएट करूंगा उसी UPI ID से आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब भी भीम ऐप यूज करेंगे तो आपको UPI ID जनरेट करनी पड़ती है, सब में होता है, चाहे पेटीएम आप यूज करते हैं, गूगल पे आप यूज करते हैं, फोन पे आप यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, सब में UPI ID आपको जनरेट करनी पड़ती है, उसी UPI ID से पेमेंट ट्रांसफर होते हैं आपके पास, या QR कोड आप यूज कर सकते हैं, QR कोड आपके पेमेंट एड्रेस हो गया जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, या IFSC कोड आप यूज कर सकते हो, तो वो क्रिएट करने पड़ेंगे तभी ये काम करेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है भीम ऐप कैन बी यूज्ड फॉर बैंक ट्रांसफर इवन विथ नॉन UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये देखिए यहां पे मैंने क्लियर वॉइस कहा था कि ये कंप्लीटली UPI बेस्ड ऐप होता है, तो इसने क्या लिखा है स्टेटमेंट के अंदर, बैंक ट्रांसफर इवन विथ नॉन UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि भीम ऐप जो होता है वो UPI प्लेटफॉर्म पे ही बैंक ट्रांसफर कर सकता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है तो UPI प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, और UPI प्लेटफॉर्म का मीन्स मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा कोई भी ऐप जिसको आपके अकाउंट से लिंक करना कंपलसरी है, जिसको अकाउंट से यदि लिंक नहीं करोगे, यदि आप उसको अकाउंट से लिंक नहीं करोगे तो आपका ऐप काम नहीं करेगा। जबकि अपन जो पेटीएम यूज़ करते हैं उसमें अपन का वॉलेट आता है, उस वॉलेट के अंदर पैसे स्टोर कर सकते हो, जबकि जो गूगल पे आप यूज़ करते हो, गूगल पे एक UPI ऐप होता है, गूगल पे एक आपका UPI ऐप है, क्योंकि उसमें वॉलेट नहीं आता, उसमें पैसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो,
उसमें अकाउंट से आपका लिंक होता है और अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट करता है वो। वैसे ही भीम ऐप भी एक UPI ऐप है, इसको आपको अपने अकाउंट से लिंक करना जरूरी है, तो अकाउंट से पैसे डिटेक्ट करता है ये। तो इसलिए इसमें इन्होंने लिखा है कैन बी यूज फॉर बैंक ट्रांसफर इवन विथ ए नॉन UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो नॉन UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कहा गया है, जबकि ये कभी भी नॉन UPI प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करता है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, बी जो आपका पॉइंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट में कहा गया इसके अंदर कि जो ये आपका भीम ऐप है, इस भीम ऐप को अपन फंड ट्रांसफर करना हो बिटवीन टू बैंक्स, फंड ट्रांसफर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आप इसको टू अकाउंट्स में इंस्टेंटली फास्ट फंड ट्रांसफर करना हो तब आप यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको कहा गया कि भीम ऐप जो होता है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, UPI यूजर्स होते हैं और जो नॉन UPI यूजर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि नॉन UPI यूजर्स का कंसेप्ट ये है कि आपके जो नॉन UPI यूजर्स हैं, आपका यदि ID जनरेट नहीं है तो आप इसे यूज़ करके और अपना ID जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ID जनरेट कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि UPI यूजर्स ही यूज़ करते हैं, जो नॉन UPI जैसे पेटीएम यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो एक तरह से नॉन UPI होता है, जिसमें कि आप वॉलेट के अंदर पैसे स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा मतलब नहीं कि जो पेटीएम यूज़ कर रहा है वो भीम ऐप यूज़ नहीं कर सकता, तो कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। तो और किसी भी अकाउंट से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र इसे यूज़ कर सकता है इसमें। तो इसलिए इसका जो मेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो बैंक ट्रांसफर होते हैं, मेन पॉइंट याद रखिएगा, जो बैंक ट्रांसफर जो होता है वो बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक यदि आपको ट्रांसफर करना है तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए UPI प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। बैंक टू बैंक कभी भी ये नॉन UPI प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता है, ये मेन कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे ये इसका आंसर बनता है इसके अंदर। क्योंकि बैंक ट्रांसफर जो होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे यदि ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको UPI प्लेटफॉर्म ही जरूरी होता है। जबकि इसमें क्या लिखा उन्होंने, विथ नॉन UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं कभी बैंक ट्रांसफर के लिए। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। हाँ, इसका ये है कि यूजर कोई भी यूज कर सकता है इसको, जो नॉन UPI यूजर है वो भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको अकाउंट लिंक करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि इस कंसेप्ट के लिए जो भीम ऐप आपको चैप्टर 4 में दिया गया है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि टॉपिक यदि क्लियर है, टॉपिक के कंसेप्ट यदि क्लियर है तो इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक बैंकिंग सिस्टम जो जनरेट करेगा आपके लिए, जनरेट ईच डे एंड क्लोजर दैट विल प्रोवाइड द टोटल, ये ध्यान रखिएगा, टोटल ऑफ ऑल द सेंट्रलाइज प्रिंटेड चेकबुक काउंट। तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, जो सिस्टम बैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम आपको चाहिए, जो सिस्टम आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो और जो आपको डे के एंड पे, क्लोजिंग के टाइम पे ये पूरा टोटल बता सके कि टोटल प्रिंटेड चेकबुक अकाउंट, कितने चेकबुक जनरेट की गई हैं, कितने चेकबुक इशू की, कितने चेक आपके पास आए हैं, कितने चेक इशू किए गए हैं, तो उसका पूरा टोटल मुझे आज का एक दिन का चाहिए। तो ऐसा कौन सा कंट्रोल है, या ऐसा कौन सा सिस्टम है, या ऐसा कौन सा कंट्रोल है, कौन सा सिस्टम है जो आपको डे के एंड में कंप्लीट चेक्स का पूरा एक साथ डिटेल आपको प्रोवाइड कर सके कि किस ब्रांच में कितने चेक इशू किए गए, किस ब्रांच से कितने चेक आए हैं, कितने चेक क्लियरिंग में गए हैं, इन सब का मुझे टोटल एक साथ एक जगह पे चाहिए। तो ऐसा कौन सा कंट्रोल है जो आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, तो वो कंट्रोल आपका होता है बैच कंट्रोल। थर्ड चैप्टर में आपके पास गिवन है ये, आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो भी इसका कहीं कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। ये तो चैप्टर थर्ड यदि आपने पढ़ा हुआ है, कंट्रोल्स आपने पढ़ा हुआ है, तो बैच कंट्रोल आपको उसमें गिवन है। और उस बैच कंट्रोल का मीन्स होता है कि ग्रुप में एक साथ प्रोसेस करना, क्योंकि वन बाय वन चेक को यदि मैं काउंट करता हूँ, वन बाय वन चेक को प्रोसेस करता हूँ, एक एक ब्रांच के चेक को प्रोसेस करता हूँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बैच कंट्रोल क्या करता है, सभी चेक्स को एक साथ वो कलेक्ट करता है, और एक साथ कलेक्ट करने के बाद एक साथ उनको प्रोसेस करके अकाउंट में, ट्रांजेक्शन में, सेंट्रल सर्वर के ऊपर प्रोसेस कर दिया जाता है। इसीलिए बेनिफिट अपने को मिलता है कि अपना जो चेक है वो अपन किसी भी ब्रांच में लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में अकाउंट आपने ओपन कर रखा है उसी ब्रांच में आप चेक लगाएं, आप किसी भी दूसरी ब्रांच में भी चेक लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल सिस्टम बना रखा है,
और उस सेंट्रल सिस्टम पे, उस सेंट्रल सिस्टम पे आपके चेक कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होने के बाद एक साथ टोटल एग्रीगेट करके और उनका प्रोसेस एक साथ कर दिया जाता है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा कंट्रोल जो आपके सभी ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट करके टोटल एक साथ प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कंट्रोल जो टोटल प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बैच कंट्रोल। चैप्टर थर्ड में कंसेप्ट आपके पास ये गिवन है, तो चैप्टर थर्ड का कंट्रोल आपको पढ़ा हुआ है, बैच कंट्रोल आपको पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी में इसका कहीं कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और वो कंसेप्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट, कि ये जो आपका टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया इस क्वेश्चन को, चैप्टर 5 और चैप्टर 1। चैप्टर 5 में तो आपको दिया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट, जिसमें बैंक इश्यू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी, दो टॉपिक है, कोर बैंकिंग सर्विसेज का टॉपिक है ये। तो कोर बैंकिंग सर्विसेज के टॉपिक में लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो बैंक इशू करता है कस्टमर के बिहाफ पे सप्लायर्स को, कि कस्टमर आपसे परचेजिंग कर रहा है, क्रेडिट पे परचेजिंग कर रहा है, तो कस्टमर यदि आपका पैसा नहीं देता है तो हम गारंटी देते हैं कि हम कस्टमर के बिहाफ पे पैसा दे देंगे। तो कस्टमर के बिहाफ पे बैंक सप्लायर को जब एश्योरेंस देता है तो उसको नेम दिया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जब मैंने चैप्टर 5 पढ़ाया है तो उसमें बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, विद एग्जाम्पल वो मैंने सारा आपको समझाया है, इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है उसका पूरा एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है, तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर यहाँ पे बताया गया कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया गया है जो बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे सप्लायर को इशू कर रखा है, वो जब एक्सपायर होगा तो अपन ने क्या कर दिया, उसको ऑटो रिन्यू कर देगा। जब आपका ये इशू होता है तब उसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक के लिए वैलिडिटी रहेगी। अब इसमें ये रिस्क है कि यदि एक्सपायर हो गया तो मेरी गारंटी सप्लायर के लिए खत्म हो जाएगी और मेरी बैंक की इमेज खराब हो जाएगी, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जब भी एक्सपायरी डेट होगा उस एक्सपायरी डेट पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिन्यू हो जाएगा। जैसे एफडी अपन कराते हैं, एफडी कराने के बाद एक डेट होता है कि 1 ईयर की एफडी कराते हो, 2 ईयर की एफडी कराते हो, तो एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद अपन ने ऑप्शन दे दिया कि ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, कि एफडी एक्सपायर नहीं हो जाए, तो एक्सपायर होने का जो रिस्क था उसको मुझे खत्म करना है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको ऑटो रिन्यू पे डाल दिया, कि जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर होता है तो ऑटोमेटिकली उस नेक्स्ट ईयर के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि इस ऑटो रिन्यू के लिए जो मैंने ऑप्शन यूज किया है तो वो रिस्क मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटजी है इनमें से। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है ये चैप्टर 1 में आपको दी गई है, आपको मैंने कहा कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, चैप्टर 5 के कंसेप्ट को भी लिया है इन्होंने इसमें और प्लस चैप्टर 1 के कंसेप्ट को भी लिया है। तो चैप्टर 1 में रिस्क मैनेजमेंट की डिफरेंट 5 स्ट्रेटजीज आपको दी गई हैं इसके अंदर, जिसमें अपन देखते हैं कि यदि आपके पास मार्केट में कोई रिस्क आ रही है, उस रिस्क का यदि आपके पर कोई भी फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हो। फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है कि आपके ऊपर कोई रिस्क का इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप उसको इग्नोर कर दो। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि यदि उसका इफेक्ट आ रहा है आपके ऊपर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि जितना हो सके उसको मिनिमाइज मिटिगेट करने की अपन कोशिश करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, चैप्टर 1 में गिवन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि रिस्क आ रही है, उसका इफेक्ट भी है और उसके लिए मुझे मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं है, मिनिमाइज रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, और इतनी रिस्क इतनी ज़्यादा है कि मैं पूरी अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी के साथ शेयर कर लो। तो किसी के साथ आप शेयर करते हैं तो उसमें अपने जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क पूरे कोई अफोर्ड नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आपको दी गई है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो रहा था तो उसको ऑटो रिन्यू पे डाल दिया अपन ने, तो ऑटो रिन्यू पे डालने से कौन सी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आपने यूज की है। तो इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे था कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जो था वो एक्सपायर हो रहा था, ये मेरे लिए रिस्क था, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसके अंदर, अब मैंने इसको ऑटो रिन्यू पे डाल दिया। ऑटो रिन्यू पे डालने से क्या हुआ कि उस रिस्क का अब मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस रिस्क को इग्नोर कर सकता हूँ। अब मेरे लिए टेंशन नहीं है कि यदि लेटर ऑफ क्रेडिट LC जब एक्सपायर हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्क क्रिएट कर देगा वो,
तो ऐसी मेरे को टेंशन थी, उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, उसको ऑटो रिन्यू पे डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली रिन्यू जाएगा। अब ऑटोमेटिकली जब वो रिन्यू जाएगा तो मेरे लिए उस रिस्क का कोई इफेक्ट मेरे ऊपर अब नहीं आएगा, अब कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इग्नोर कर सकते हो आप इसके अंदर। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा कि आप इसको इग्नोर द रिस्क, एलसी विल गेट एक्सपायर्ड। तो यदि एक्सपायर होता है तो एक्सपायर होने से कोई आपको रिस्क आ रहा था, उस रिस्क का अब मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि एक्सपायरी डेट आएगी तो अपने पे क्या करेगा, उसको ऑटो रिन्यू कर देगा। तो एक्सपायर होने की जो रिस्क थी उसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आपको दिखे चैप्टर वन में, तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पढ़ेंगे तो उसमें वो कंसेप्ट आपको गिवन है। तो इसलिए ऑटो रिन्यू पे डाल दिया, तो अब एक्सपायर होने की मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो इस रिस्क का मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका कंसेप्ट था स्टूडेंट यहाँ पे, इसका केस स्टडीज के कंसेप्ट। तो इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे तो इजिली आप उनको सोल्व कर सकते हो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसके सेकेंड केस स्टडी का, वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। और वो कंसेप्ट आपको दिया गया है, देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसके अंदर। ऑडिटर ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, 5 नॉन ऑपरेशनल बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशंस बने हैं। तो इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा मॉड्यूल है ईआरपी का, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है आपके पास है, तो ईआरपी का ऐसा कौन सा मॉड्यूल है ये, जिस मॉड्यूल से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा मॉड्यूल इंडिकेट कर रहा है जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे बताएं, सिंपल सा लॉजिक स्टूडेंट यहाँ पे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको देखना, मैंने हाईलाइट भी किया है कि थंब इंप्रेशन जो बनते हैं, बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, वो किसके लिए बनते हैं, एम्प्लॉयज के लिए बनते हैं। कि जब एम्प्लॉय कंपनी में आएगा तो थंब इंप्रेशन से अटेंडेंस करेगा, फिर जब एम्प्लॉय कंपनी से घर जाएगा तब थंब इंप्रेशन से जाएगा, ताकि टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा कब आया था और कब गया था। तो ये जो थंब इंप्रेशन का सिस्टम्स होता है, ये थंब इंप्रेशन का जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, ये बनता है एम्प्लॉयज के लिए। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको नेम दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो आपका, यदि कोई नॉन ऑपरेशनल की किसी ने गलती से थंब प्रिंट दे दिया उसके अंदर, या वो जाना चाह रहा था, अटेंडेंस लगा के जाना चाह रहा था तो गलती से अटेंडेंस लगा दी उसने, या जानबूझ के अटेंडेंस लगा दी उसके अंदर, या आया ही नहीं और उसने गलती से अटेंडेंस कर दी इसके अंदर, या फिर किसी को नहीं जाना था, थंब इंप्रेशन दे दिया तो उसकी ऑफ लग गया उसके अंदर, तो इस तरह की नॉन ऑपरेशनल थंब प्रिंट हो गए। तो अब ऐसे कौन से मॉड्यूल है ईआरपी के जिसके थ्रू अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मॉड्यूल आता है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, एचआर मॉड्यूल। क्योंकि जो थंब प्रिंट बनते हैं, थंब इंप्रेशन बनते हैं, वो बनते हैं एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज जब कंपनी में आता है तो थंब प्रिंट से अटेंडेंस करता है, बायोमेट्रिक सिस्टम चलता है आज के टाइम में हर कंपनी में, और जब एम्प्लॉयज वापस जाता है तब भी वो थंब प्रिंट से अटेंडेंस करता है, ताकि आने जाने का रिकॉर्ड हो जाएगा उसका, और उसके बेस पे सैलरी शीट बनेगी। तो अब इसमें 5 नॉन ऑपरेशनल बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन ऑब्जर्व किए हैं ऑडिटर्स ने, तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ये मॉड्यूल है जो ये ईआरपी का मॉड्यूल इंडिकेट करता है, जिसके बेसिस पे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना उस मॉड्यूल को, जिस मॉड्यूल में इस तरह की क्या है, इस तरह की कुछ लैप्स हैं। तो वो मॉड्यूल है एचआर मॉड्यूल जो बना हुआ है, उस एचआर मॉड्यूल में से प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपरली अपग्रेड करना, जैसे कि नॉन ऑपरेशनल थंबप्रिंट कोई नहीं करे इसके अंदर। तो ये था स्टूडेंट आपका केस स्टडीज के सोल्व करने का पैटर्न। तो इस तरह से मैंने दो केस स्टडी आपको सोल्व करके बताई है स्टूडेंट। अब मैंने जो दो केस स्टडी सोल्व की है उसमें से मैंने केवल एक क्वेश्चन था जिसके लिए मुझे केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई है, रिमेनिंग किसी भी क्वेश्चन को मैंने केस स्टडी पढ़ के सोल्व नहीं कराया है। और आप लोगों को कंसेप्ट बताए हैं, कौन से चैप्टर में से कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझाया है इसके अंदर, और आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी के बेसिस पे ये केस स्टडी जिस तरह से सोल्व करेंगे, और अपन अब आगे नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग केस स्टडीज सोल्व करेंगे। तो आप स्टूडेंट आप सोल्व कीजिएगा इन केस स्टडीज को, कैसे सोल्व करना है, सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी कैसे सोल्व करनी है, सोल्व करने का पैटर्न क्या रखना है वो मैंने आपको समझाया है। तो उस पैटर्न पे आप इनको सोल्व करेंगे इसके अंदर, जिससे कि आप इजीली अपनी केस स्टडीज को सोल्व कर सकें, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, केस स्टडी को पढ़ने में, समझने में, उसको लर्न करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े आपको। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे से, और यदि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो पूरी केस स्टडी पढ़ने की नीयत आपको नहीं होगी, उसमें केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए केस स्टडी पढ़ेंगे तो इजीली आप उनको सोल्व कर पाएंगे। तो और यही मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश आपको की है।
अब इसी की बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपन दोबारा मिलेंगे इसके अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ है वो अब आपको सॉल्व कराऊंगा। अब अपन इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो 2 केस स्टडीज़ है उसको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, पूरा बेस मैंने आपको क्लियर कर दिया किस बेस पे आपको सॉल्व करना है, वो मैंने पूरा बेसिक आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब थोड़ा फास्ट अपन चलेंगे इसके अंदर, जिससे कि जल्दी जल्दी अपनी केस स्टडीज इजीली सॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टूडेंट दोबारा मिलेंगे इसके अंदर। आपको उसके लिए क्या करना है, अपना EIS के MCQ का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए VSI का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सर ने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, तो आप उसके लिए जो हमारा VSI का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, मेरा जब भी वीडियो आएगा तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि रिमेनिंग केस स्टडीज भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके अंदर। और प्लस इनके जो नोट्स हैं PDF हैं वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल हैं उस पर अवेलेबल रहेंगे, जो मैं आपको ये हाईलाइट करके नोट्स दे रहा हूँ, ये सब नोट्स अवेलेबल रहेंगे, PDF अवेलेबल रहेगा। तो उसके लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, जिसमें कि जो PDF हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे। और इन सभी की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सभी नोटिफिकेशन हमारे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, कि हमने ये नोट्स डाले हैं, आज हमने वीडियो डाला है इसके अंदर, आज हमने ये टॉपिक समझाया है, तो उसके सारे नोटिफिकेशन से वो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। तो VSI जयपुर का जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको आप फॉलो करें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, और जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट, रिमेनिंग केस स्टडीज के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको प्रॉपर। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन रिमेनिंग जो केस स्टडीज हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, और मैंने बेस आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब इसके बेस पे आप भी सॉल्व कीजिएगा इनको, जिससे कि आप भी इजीली सॉल्व कर सकें। उसके लिए बस ये है कि टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वो अपन ने देखे भी हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, अब रिमेनिंग जो केस स्टडीज उनको सॉल्व करने में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी अपनी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।